السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون تشریع و تدوین و اجتہاد کے عنوان پر یہ ہماری تیسری تقریر ہے اور اس سلسلے میں بعض اہم مسائل زیر بحث آ چکے ہیں. آج کل سے اپنی گفتگو کو مسلسل کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ایک مرتبہ پھر آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اے رسول تم پوچھو کوئی ہے تمہارے رفقائے کار میں جو حق کی طرف ہدایت کرے. تم پوچھو حل من شرکائکم کیا تمہارا کوئی رفیق کار ایسا ہے شریک کار ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے. وہ چپ ہو جائیں گے. تم کہو قل اللہ یہدی للحق کہو کہ اللہ ہی ہدایت کرتا ہے حق کی طرف. اللہ ہی ہدایت کرتا ہے حق کی طرف. اس کے بعد تم پوچھو افمن یہدی الی الحق پس جو حق کی طرف ہدایت کرے کیا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ان یتبع کہ لوگ اس کی پیروی کریں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا یا یہ لوگ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو خود ہدایت کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہو. فمالکم کیف تحکمون کیا ہو گیا کیسے برے فیصلے سنا رہے ہو. اس کے بعد ارشاد ہوا یہ صورتحال پیدا اس لیے ہوئی
कि मा यत्तबेओ अक्सरहुम इल्ला जन्नन, इनकी अक्सरियत जनों तखमीनों गुमानों अंदाजे की पैरवी कर रही है। मा यत्तबेओ अक्सरहुम इल्ला जन्नन वह इन जन्न ला युग्नी मिनल हक शैया, और गुमान और अंदाजे को हक से क्या ताल्लुक है? गुमान और अंदाजे को हक से क्या ताल्लुक है? इन अल्लाह अलीमुन बेमा यफ़लून, अल्लाह को इल्म है तुम जो कुछ के किए जा रहे हो, तुम्हारे अफ़आल का इल्म है। आपकी दिलचस्पी के लिए कल यह गुफ्तगू हो रही थी कि फेल कैसे सादिर होता है, फेल कैसे सादिर होता है। तो हुकमा ने कहा कि फेल सादिर होता है इरादे से, इरादा फेल को सादिर करता है। मैंने यह चाहा, मैंने यह किया, आपने ये चाहा, आपने ये किया, फेल इरादे के ताबे। फिर कोशिश ये की कि इरादे पे क्या किसका असर है। तो यहां थोड़ी सी हैरानी हुई, लोगों ने ये सोचा कि शायद अक्ल इरादे को हरकत देती है। तो हुक्माने का नहीं, अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं, अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। इरादे को हरकत देने वाली शय तअस्सुर है, ते अलिफ से रे तअस्सुर, सजेशन यानी असर कबूल करना किसी का। बेटे का इरादा बाप की मुसलसल निगरानी, महकूम का इरादा हाकिम का दबाव, दोस्तों का इरादा दोस्तों का असर। तअस्सुर से इरादा यानी हमारे रब्ते बातिन से जो असर कायम होता है हम पर, हम उससे इरादा करते हैं कि अब यह काम करना चाहिए। चुनाचे यह तअस्सुर असल में पैदा होता है इंसान जिसके दबाव में रहे, जिसके तसल्लुक में रहे, और आगे बढ़ के जिसकी मोहब्बत में रहे। जिस किसी से मोहब्बत करे वो उसके साथ है। इसलिए अरब में एक मशहूर हकीमाना इरशाद है, अल मरओ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिसको वो दोस्त रखता है। मोहब्बत खैचे खैचे लिए फिरती है और मोहब्बत तअस्सुर पैदा करती है। हक से मोहब्बत है तो इरादा हक से सादिर है, और ना हक से मोहब्बत है तो इरादा ना हक से मुतासिर है, और उसके बाद अब जो अमल की मंजिल आई तो जो हक से मुतासिर था वह अमल में हकीकत थी। ये जो बातिल से मुतासिर हो के इरादा आया उससे जो फेल सादिर हुआ उसमें हकीकत नहीं, जन तखमीन अंदाजा कियास। अब हम गोया फिका की मंजिल पा रहे हैं। ये फायदा ही इसलिए होता है कि मोहब्बत ने मुतासिर कर दिया, मोहब्बत ने मुतासिर कर दिया। तो अजीब बात यह है कि सामने ऐसा नहीं है कि हक नहीं आया, ऐसा नहीं है कि हक नहीं आया, हक आया, हक आया, वरना हुज्जत बातिल हो जाती कि हमने तो हक को देखा ही नहीं। सिर्फ हक आया ही नहीं बल्कि हक मुसलसल सामने रहा।
ताकि दुनिया ने ये ना कहे कि बादे पैगंबर तो गायब हो गया। हक साथ रहा और दुनिया ने अपने इरादे को उसके ताबे नहीं किया। अब बहुत ही वजाहत के साथ फिक्री मसाइल मुसलमानों के बड़ी गहरी तरह से और बड़ी दूरंदेशियों के साथ इख्तदार से मुतासिर कर दिए गए, हुकूमत से मुतासिर कर दिए गए। हुकूमत इंसानों को खरीद रही थी, बैतुल माल के दरवाजे खुले हुए थे। बज़ाहिर ये तो नहीं कहा जा रहा था कि हम काफिर बना रहे हैं, बल्कि यही कहा जा रहा था हम भी इस्लाम ही के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर इस्लाम को फैलाने का तरीका यह है कि हम अपने कियास से काम लें और कुछ नए नए हालात के साथ नई नई बातों पे फिक्र करें, कुछ जिद्दतें पैदा करें और उन जिद्दतों के साथ गोया चूंकि हुकूमत का मफाद वाबस्ता था इसलिए हुकूमत ने खरीदना शुरू किया फुकहा के फतवों को, और इस तरह से फुकहा के खरीदे हुए फतवे एक ऐसी राह पर आ गए कि जहां अब सवाल पैदा हुआ। ये अजीब हकीकत की तरफ इशारा कर रहा हूं और रुक रुक के गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि मेरी तमहीद एक ऐसी मंजिल से गुजर रही है कि जहां बात चीजों को समझना जरूरी है। मैंने अभी तमहीद में अर्ज किया कि इरादा तासुर से पैदा होता है, फेल इरादे के ताबे है, इरादा तासुर से पैदा होता है, तासुर मोहब्बत के साथ, तासुर मोहब्बत के साथ। तो एक तो यह सूरत है कि किसी को हक से मोहब्बत है तो उसका तासुर भी सही है, इरादा भी सही है, फेल भी सही है। अब यह नहीं कहता कि किसी को बातिल से मोहब्बत है, यह नहीं कहूंगा, अब यह कहूंगा किसी को हक से दुश्मनी है। आप देख रहे हैं किसी को हक से दुश्मनी है तो नतीजा इस दुश्मनी का यह होता है कि यह दुश्मनी भी तासुर पैदा करती है कि जहां जहां दुश्मन मिले फैले हुए उनको इकट्ठा करो, जहां भी मिले जिस लिबास में मिले इस घराने के खिलाफ उनको एक जगह करो ताकि सब मिलके कुछ सोचें। तो यही वो मंजिल है कि जहां पुरानी दुश्मनियां सब दौरे फिका में काम आई और पुरानी दुश्मनियों से दौरे फिका में काम लिया गया, तदवीन फिका में, तदवीन शरीयत। कभी तो यह कहा गया इनको पहचानते हो बद्र में क्या हुआ था, कभी कहा नहीं पहचाना इनको, याद नहीं है ओहद की लड़ाई, कभी कहा खैबर को भूल गए, खंदक को भूल गए। तो कैबर और खंदक की मंजिल तक तो मुसलमान फिर भी जरा सा हिचकिचा रहे थे कि उस वक्त तक तो हम भी उधर थे, उस वक्त तक तो हम भी उस तरफ थे, मगर अब बाद में जब इनको याद दिलाया जमल, सिफीन, नहरवान, तो अब अदावत पुख्ता तर
कि अब इनकी राह नहीं चलेंगे, अब इस घराने की राह नहीं चले। कुछ आप मेरी तमहीद को समझ रहे हैं? अब तासुर कहां से आया? अदावत हक से। अदावत हक से तासुर पैदा हुआ, जिसने इरादे को कंट्रोल किया और अफाल की मंजिल पा गए। इस मंजिल पे मशहूर तारीख का फलसफा लिखने वाला, मुसलमानों की तारीख का फलसफा लिखने वाला, कि जिसको जान बूझ कर मैंने रजविया कॉलोनी की अपनी मजलिसों में काबिल जिक्र नहीं करार दिया कई वजूहात की बिना पे, वो इब्न खलदून है। मुकद्दम है इब्न खलदून। अंग्रेजों ने इसकी बड़ी तारीफें की और मुसलमानों ने बहुत ज्यादा इसकी मदहसराई की, और हमारे पास ये निसाब में है। इसके कई चैप्टर्स, कई क्लासेस में निसाब में शामिल है, मुकद्दमा इब्न खलदून। तो इस पूरे मुकद्दमे का एक जुमला आप याद रखें, अहलुल बैत मज़ाहिब निब तदऊहा, वो फिक्ह हिनिन फरदू फी। अहले बैत ने ऐसे मज़ाहिब ईजाद किए जिसमें बिदातें थी, और उस फिका को ईजाद किया जिसमें खुद मुनफरिद हो गए। इन फरदूफी, ये इब्न खलदून का मुकदमा है। इतना समझदार आदमी वो ये लिखता है कि इन्होंने मजाहिब को ईजाद किया। क्या आपने देखा कितना तासुर होगा, कितना तासुर होगा, किस मंजिल पर जाकर ये हक से हट रहा है। और फिर एक ऐसी सूरत में, जबकि फिका की किताबें सब खुली हुई हैं, दिल तो चाहता है कि एक एक छोटे से छोटे मसले पर गुफ्तगू की जाए और ये बतलाया जाए कि आखिर सूरत फिकही क्या है इसकी। मगर एक आम बात जो आपके समझ में भी आ जाएगी, और कभी मैंने उसका तस्करा भी किया था, वो बहुत गौर के काबिल है। सही बुखारी शरीफ में जो सही तरीन किताब है अल्लाह की किताब के बाद, सिर्फ एक बाब कायम किया, उस बाब में एक ही हदीस है जिल्द अव्वल, के नमाज में सीधा हाथ बाएं हाथ पर रखा जाए। एक ही हदीस है, सही बुखारी शरीफ। अब वो हदीस ये, वो हदीस ये कि उसमें कोई रावी नहीं है, किसी से मनकूल नहीं है, किसी से हदीस नहीं ली गई है, बल्कि उसमें यह लिख दिया गया कि अबू हाजिम यह कहता है कि दौरे नबी से इस अमल को निस्बत हासिल है। यह एक अजीब गरीब मंजिल है एक फिकही किताब की, कि जहां यह नहीं है कि हमने नबी को किस तरह से अमल करते देखा नहीं है। अबू हाजिम यह कहता है कि दौरे नबी से इस अमल को निस्बत हासिल है। बाप खत्म हो गया। इन्हें खुद मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फैसला किया
या इस बाब से मुश्तहदीन ने क्या हासिल किया, वो हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आए। ये जो इब्ने खल्दून कह रहे हैं कि अहले बैत ने मजहब में बिदअत की, मैं एक छोटे से मसले को आपके सामने ला रहा हूं। बुखारी खामोश बाब को कायम किया, फकत एक रिवायत, और वो भी इस तरह से कि रसूल से रिवायत नहीं। अबू हाजिम ये कहता है कि इसको भी रसूल के जमाने से निस्बत है। अच्छा, मसला अहम है, मसला अहम है इस वास्ते कि हर मकतब फिकी ने अपने लिए एक अलहदा निशानी बनाए डाली है कि कहां बांधे जाएं, है ना। मसला अहम है, कुछ तो सोचा होगा मजाहिब फिकी ने, तो उसके लिए आखिर बुनियाद क्या है, कहां, किसने रसूल को क्या करते हुए देखा। बुखारी में तो नहीं, बुखारी में यह कि इस अमल को रसूल से निस्बत है, जाके देखिए पहली जिल्द बुखारी, बड़ी दिलचस्प किताब है ये और पढ़ने के काबिल किताब है। बाबु सलात, और बाबु सलात में यह मकाम के वज़ुल यमना अलल युसरा। अब इसके बाद सही मुस्लिम, दो ही किताबें जेरे पैसे, सही मुस्लिम में भी बाब है, इसी नाम से बाब है, इसी उन्वान से बाब है, और उसमें एक हदीस, उसमें एक हदीस है कि एक शख्स यमन का रहने वाला, अब ये नाम अच्छी तरह याद रखिए, वाइल इब्ने हुजर, वाओ अलिफ ये लाम, वाइल इब्ने हुजर है जीम रे, वाइल इब्ने हुजर मदीना आया, रात का वक्त था, जाड़े का मौसम था, तो वो पीछे से उसने देखा कि रसूल ने तकबीरतुल अहराम के लिए अबा में से हाथों को उठाया, ये देख, और उसके बाद देखा, ऐसा मालूम हुआ कि आपने शायद हाथों को बांध लिया। वो पीछे से देख रहा है, ऐसा मालूम हुआ कि गोया आपने बांध लिया। वाइल इब्न हुजर रावी है, इतना अहम मसला, खुदा की कसम इस मसले पर गौर करने के लिए मिल्लत तैयार हो जाती। अगर सामने लेटने वाली बीबी हजरत आयशा कहती कि मैंने देखा रसूल को के हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, तो हमको यकीन आ जाता। नमाज के मौके पे कभी कभी छोटा सा कमरा था, छोटा सा उताब था, कभी कभी आप सामने लेट जाती थी और रसूल हट के नमाज पढ़ते थे, तो वो सामने से देखती थी ना नमाज पढ़ रहे थे। तो इतना अहम मसले में न हजरत आयशा की रिवायत, न हजरत अबू बकर की रिवायत, न हजरत उमर की रिवायत, न हजरत उस्मान की रिवायत, न हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, न हजरत इब्न अब्बास की रिवायत है, किसी जलील उल कदर सहाबी की रिवायत न बुखारी में है न मुस्लिम में है। एक जगह यह अबू हाजिम ने कहा उस जमाने से मंसूब है, और इधर यह कहा कि वाइल इब्ने हुजर ने कहा कि मैंने पीछे से देखा। उस पर इमाम मालिक बिगड़ गए। इमाम मालिक ने कहा कि अब इस पर जो भी आदमी कियास करेगा वाइल में हुजर की बातों, वो कियास इसलिए गलत होगा कि मैं मदीने का हूं और दूसरे फुकहा या कूफे के हैं या शाम के हैं या किसी और मकाम के हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि मदीने में किस तरह से नमाज हुई वो बतलाए, मैं बतला सकता हूं, इसलिए मेरे पास लाजिम है कि वाजिबात में हाथ को खोल दिया जाए। इमाम मालिक,
इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया, इमाम मालिक का सन वफात आपको मालूम है, 90 में पैदा हुए, 90 हिजरी में, और 170 पर 9 में इनका इंतकाल हुआ, इमाम मालिक का, मालिक इब्ने अनस, जय्यद उलमा में से थे, जय्यद फुकहा में से थे, मुवत्ता इमाम मालिक आम इस्लाम के अफकार के एतबार से पहली किताबें जो लिखी गई। बहरहाल इस मंजिल में आकर शायद फरमाया कि नवाफिल में अगर किसी को बांध लेना हो तो बांध ले, मगर वाजिबात में तो हाथ छोड़ दे, इसलिए कि हम, ये मदीने का स्कूल है, ये लफ्ज स्कूल आप समझ लेना, ये मदीने का मकतब है और हमको ज्यादा हक है, मैं मदनी हूँ, मैं मदनी हूँ, इमाम आजम बाहर से आ रहे हैं, मदीने से नहीं है, तो इसलिए इमाम मालिक ने कहा कि हाथ खोल। तो अब जब इमाम मालिक हाथ खोल रहे हैं और ये कह के नहीं खोलते कि मैंने मोहम्मद बाकर से सुना, मैंने जाफर सादिक से सुना, या मैंने जैनुल आबिदीन से सुना, या अली से कोई हदीस आई, कुछ नहीं, इमाम मालिक कहते हैं कि मेरे पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि रसूल को जिस किसी ने देखा हाथ खोल के नमाज पढ़ते हुए देखा, इसलिए मैं हुक्म देता हूं कि वाजिबात में नमाज को हाथ को खोल दिया जाए। तो फिर इब्ने खल्दून कैसे लिखता है कि अहले बैत ने मजहब में बिदअत की, यानी अगर कोई इसमें नयापन नजर आया फिकह में के नमाज में हाथ खुले रहें, तो ये अहले बैत की तो इजाद नहीं है ना, इमाम मालिक का फतवा मौजूद है, इमाम मालिक का फतवा मौजूद है, और आज भी खाने काबा में नमाज के मौके पर जब कभी मालिक ही जाएगा हाथ खोल के नमाज पढ़ो, और दूसरे नमाज पढ़ने वाले एतराज नहीं करेंगे, इसलिए कि एक मकतबे फिका है। तो जब इमाम मालिक के मकतबे फिका पे किसी को एतराज नहीं है, तो अली इब्न अबी तालिब के मकतबे फिका पे कैसे एतराज है? ऐसी बात देखिए, ये दो किताबें, एक में अबू हाजिम रिवायत करता है कि पैगंबर से मंसूब है ये वाकया, क्या ऐसा होता था, एक में वाइल में हुजर पीछे खड़ा हुआ है वो कहता है मैं समझता हूं कि ऐसा किया, अदिल्ला सहाबा क्यों रिवायत नहीं करते, अदिल्ला सहाबा क्यों जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, बात है, यानी जिंदगी जिनकी गुजर गई सात नमाज पढ़ते पढ़ते, वो ये नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार हैं, अजीब बात है कि सही हैन में अजिल्ला सहाबा का जिक्र ही नहीं है, यमन से एक आने वाला है वो रिवायत कर रहा है, या अबू हाजिम रिवायत कर रहा है कि ये दौरे नबवी से मंसूब है, हज़रत आयशा सिद्दीका बयान करती, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत होती, हज़रत उस्मान से कोई शख्स रिवायत करता नहीं, तो मतलब यह है कि अजिल्ला सहाबा क्या रिवायत नहीं किया करते थे, नहीं, हजारों रिवायतें मौजूद हैं, हजारों रिवायतें मौजूद हैं, मगर इस खास अमर में, इस खास अमर में किसी ने गुफ्तगू नहीं की, किसी ने गुफ्तगू नहीं की, और रह रह के ताज्जुब होता है कि हजरत आयशा से हदीस क्यों नहीं आई, जबकि 40,000 हदीसें हजरत आयशा से, तो उसके माना ये कि उस दौर में, दौरे अव्वल में तरीका ही ये था, तरीका ही ये था कि सब हाथ खोल के पढ़ें, मगर जब जमल और सिफीन और नहरवान सामने आए
तो अदावत हक ने तासुर पैदा करके इरादे पे कंट्रोल किया और इरादे ने अफाल को बदल दिया। नारे इन्हें ये एक अहम मसला था जिस पे गुफ्तगू। और मैं आपसे बतलाऊं अदिल्ला साहबा अम्मारे यासिर जैसा बुजुर्ग मौजूद है। अम्मारे यासिर का ये आलम है कि कोई बड़े से बड़ा साहबी क्यों ना हो, अगर फिका में गलती हो गई उन्होंने टोक दिया, वहीं टोक दिया। और चूंकि अब फिकी मसाइल हैं, जाहिर है कि हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। कुछ सहाबा नजासत के आलम में पानी के न मिलने पर नमाज का वक्त गुजार दिया करते थे। एक दिन हजरत अम्मार यासिर ने कहा, क्या बात है, ये क्या बात हो, नमाज का वक्त कैसे गुजर गया? कहा पानी नहीं है। कहा पानी नहीं है तो तैमुम है। उस पर एतराज किया, मगर आज आप जाके देखें सही मुस्लिम में भी ये लिखा हुआ है पूरी तफसील से। नूवी ने तो तफसील से लिख दिया कि अम्मारे यासिर ने न फकत बहस की बल्कि मनवाया कि आयत ये मौजूद है कि अगर पानी न मिले तैमुम करो, तैमुम करो। तो अब सही मुस्लिम में यह इबारत आ गई कि बिलाखिर इजमाए सहाबा ने अम्मारे यासिर की बात को मान लिया और तय कर लिया कि बिल्कुल सही है। तो ये कब तक की बातें हैं, यानी अम्मारे यासिर का वजूद है अभी, यानी अभी सिफीन की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये जब तक की बातें। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हजरत अबू जर तो बहुत साथ रहे ना, बहुत साथ रहे। सलमान, क्या कहने सलमान के, इनके मुतालिक तो यहां तक हो गया कि लोग कहते थे ये रातों को अजमी किस्से बयान करते हैं और लोग अरबी जबान में उसको ढाल लेते हैं, उसी को कुरान कहते हैं। और हमको मालूम है कि लोग कह रहे हैं इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल्लज़ी युल्हदून इलैह आजमीयुन वहाजा लिसानुन अरबीयुन मुबीन। हमको मालूम है कि लोग एक अजमी की तरफ निस्बत दे रहे हैं कि इसको कोई पढ़ा रहा है, और ये इल्हाद है, ऐसा नहीं है। कुरान अरबी में है, हमने अरबी में नाजिल किया। तो सलमान इतना नजदीक थे, मगर मुझे हैरत यह है कि यह कैसा तासुर आया होगा कि न सलमान से हदीस ली गई, न बुजर से हदीस ली गई, न अम्मार से हदीस ली गई, न उन तमाम अफराद से हदीस ली गई जो सिफीन में अली के साथ। बहुत अजीब मंजिल है। सलमान और बुजर के लिए कहा गया कि पैगंबर खुदा ने इरशाद फरमाया कि आसमान ने साया नहीं किया किसी दो शख्सों पर जो सलमान और अबूजर से ज्यादा सादिकुल लहजा हों, इनसे ज्यादा सच्चे हों, आसमान ने साया नहीं किया। तो सच्चे इसी तरह से रह गए और उनसे सलमान से रिवायत नहीं है न सही है इनमें। एक आध मकाम पे बुजर से रिवायत, मगर एक अजीब बात यह है कि अबू जर अगर रिवायत करते हैं
तो ऐसा मालूम होता है कि इल्म का दरिया उमड़ रहा है। एक मकाम पे मजबूर हो गए मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू जर से रिवायत कर, तो कहा अन अबी जर, अबू जर ने यह फरमाया कि अली ये कहते थे कि कयामत के दिन अन अव्वल मन यत्सू बैन यदै रहमान बिल खुसूमा, सबसे पहले मैं फरियाद करूंगा कि परवरदिगार मेरी दुश्मनियों को तो देखो। मुझसे जो दुश्मनियां की गई हैं वो तो देखो, मैं फरियाद अबू जर से। अब उसके नीचे कोई तशरीह नहीं है, कोई तशरीह नहीं है। तो अजीब बात यह है कि अबू जर और सलमान का दर्जा रिवायत के एतबार से भी बहुत बड़ा है, इन्फ्लुएंस और तासुर के एतबार से भी बहुत ज्यादा है, मोहब्बत की काबिल हस्तियां हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने ईरान को फतह किया, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने ईरान को फतह किया, वो ईरान के फाते हैं। इकबाल तस्लीम ही नहीं करते, इकबाल कहते हैं मिटाया कैसरो किसरा के इस्तेबदाद को जिसने, वो क्या था? साद इब्ने अबी वक्कास नहीं, वो क्या था? जोरे हैदर, फकरे बूजर, सिदके सलमानी। फाते कोई और है और ये फलसफी कह रहा है कि मिटाया कैसरो किसरा के इस्तेबदाद को जिसने, वो क्या था? गए नहीं अजम में कोई, इनमें से कोई गया नहीं, ना हमले में शरीक रहे, मगर ये अखबार की नजर, अखबार की नजर है, इस पे तो जाहिर प्रोटेस्ट होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए ना। मिटाया कैसर और किसरा के इस्तेबदाद को जिसने, वो क्या था? जोर हैदर, फख्र बूजर, सिदक सलमानी। तो जहां इकबाल की निगाहों में बूजर और सलमान का यह मकाम हो, वहां वो अहादीस के रावी क्यों नहीं बनते? वो हदीसें क्यों उनसे नहीं ली जाती? दूसरी मंजिल पे फिर बूजर और सलमान को इकबाल ने याद किया, भाई कैसे कैसे सजदे करने वाले थे, वैसे करनी भी थे, मारूफ करकी भी थे, शकीक इब्ने इब्राहिम बलकी भी थे, जुनैद बगदादी भी थे, मंसूर भी थे, सजदों की मंजिल पर तो यही नाम है ना सूफिया किराम के। मगर इकबाल का फलसफा कुछ और है, वो कहते हैं जे सीमाए के सूदम बरदरे गैर, वो पेशानी जो गैर की चौखट पे मैंने रख दी, जे सीमाए के सूदम बरदरे गैर, उस पेशानी से जो मैंने गैर की चौखट पे रख दी, सुजूदे बूजर और सलमान है आए, उस पेशानी से बूजर और सलमान के सजदे कैसे निकलेंगे? गैर की चौखट पे है पेशानी। तो आपने देखा इकबाल की निगाहों में अगर फतह की मंजिल है तो बूजर और सलमान, सजदे की मंजिल है तो बूजर और सलमान। इबादत हो या शुजात,
بودر و سلمان. تو ایسی منزل پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت سلمان سے اور حضرت ابو ذر سے روایت نہیں لی گئی، عمار یاسر سے روایت نہیں لی گئی، اجلہ صحابہ سے کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا تأثر محبت حق کے تابع رہے گا، ان سے روایت نہیں لی گئی. اور پھر اہل بیت پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مذاہب میں اپنی پسند کو دخل دے دیا. مذاہب تدعوها، اور نئی فقہ ایجاد کی. میں زحمت اب نہیں دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مسئلے کو بڑی حد تک سمجھ لیا ہے، اب یہ کل کے لیے چھوڑیے. مگر ایک بات، اہل بیت نے مذاہب کو الگ کر لیا، مگر ایک اللہ کا شکر ہے، وہ یہ کہ محمد سے لے کے محمد تک اور علی سے لے کے حسن عسکری تک جو بھی مذہب اختیار کیا گیا، اب دنیا کہے کہ تازہ ایجاد ہے یا جو کچھ بھی ہے، مگر دور رسول سے مسلسل ہے یہ سب، بعد کی پیداوار ہیں. کوئی 150 ہجری ہے، کوئی 204 ہجری ہے، کوئی 170 پہ 9 ہجری ہے. وہاں بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خیبر میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، وہاں ہر منزل پہ ساتھ ہیں. تو اس ذات گرامی سے لے کے حسن عسکری تک کسی کا قول بدلا نہیں. کسی کے قول میں تبدیلی نہیں ہے. جو ایک نے کہا سب نے کہا، جو ایک نے کہا سب نے کہا. اسی واسطے ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس فقہ کے کسی مسئلے میں تنہا قول ملے آپ کو امام موسیٰ کاظم کا، ممکن ہے آپ کو تنہا قول ملے امام علی نقی کا. تو آپ کے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ان کی تنہائی کو نہ دیکھو، آپ یہ دیکھیں کہ معصوم نے کہا کہ نہیں کہا. وہ ایک ہی صحیح کا، ایک نے بھی اگر کہا تو مان لو کہ سب نے کہا، سب نے کہا. اس لیے کہ اجماع اہل بیت ہو جاتا ہے ایک کے کہنے پر، اجماع اہل بیت ہو جاتا ہے ایک کے کہنے پر. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اہل بیت سے روایت نہیں لی گئی. حد یہ ہے، حد یہ ہے کہ امام محمد باقر کی شاگردی میں زندگی گزری امام اعظم کی، روایت نہیں لی. امام صادق سے علوم کو حاصل کیا، تذکرہ نہیں کیا. تو ایسی منزل پر ائمہ یقیناً یہ چاہتے تھے کہ تذکرہ نہ ہو، تذکرہ نہ ہو، تاکہ خدا کی قسم ائمہ کی انفرادیت باقی رہے. وہ تو فقط اعتراض کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ فقہ میں ائمہ اہل بیت منفرد ہو گئے. ہاں منفرد تھے، اسی طرح سے منفرد تھے جیسے محمد منفرد تھے. ہو گئی گفتگو، اور ظاہر ہے کہ حکومت بہت سی چیزوں کو چھپانا چاہتی تھی. فقہ کے جب راستے الگ ہوئے تو بہت سی چیزوں کو حکومت چھپانا چاہتی تھی، اور سب سے زیادہ جس حقیقت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ واقعہ کربلا.
कि ये सामने ना आए, ये सामने ना आए। और इधर आइम्मा अहले बैत ने यह तय कर लिया था कि अब सिवाय इस वाक़े के तो गुफ्तगू का आगाज ही ना हो। सैयद उस्साजदीन की जिंदगी शुरू हुई वादे करबला। रावी कहता है मैंने जब देखा इमाम की दौलत सरा पर मजमा है तो इमाम करबला का जिक्र कर रहे हैं और फिर रो रहे हैं। एक दिन रावी ने अदब से कहा, फरजंद रसूल बहुत दिन हो गए, कब तक रोएंगे आप, कब तक रोएंगे। तो शाह फरमाया, मिनहाल अगर याकूब एक बेटे के लिए इतना रो सकते हैं, आंखें सुपायद हो जाए, तो मिनहाल मेरा तो घर उजड़ गया ना, मेरा तो घर उजड़ गया, मैं ना रोऊं। सैयद उस्साजदीन रावी है जनाब ज़ैनब के खुतबे, सैयद उस्साजदीन रावी हैं हुसैन इब्न अली के खुतब के, सैयद उस्साजदीन रावी हैं वाकयात शाम के, सैयद उस्साजदीन रावी हैं मक्तल के एक मुतद हिस्से के। ये आखिरी मंजिल, रावी कहता है मैंने अपने इमाम को देखा, बावजूद इस नातवानी के, इस कमजोरी के, हमेशा निहायत एहतियात से बैठते थे। बसा औकात लोग घंटों सामने से नहीं उठते थे, मगर मजाल नहीं थी कि इमाम कभी अपने अमामे को उतारे या अबा के बंद खोले, नहीं, बड़े एहतियात के साथ तशरीफ फरमा होते। मिनाल कहता है कि एक दिन मैं एकाएक किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए इमाम की खिदमत में आया, इमाम तन्हा थे और मालूम नहीं उस वक्त क्या बात थी, इमाम ने पाए अकदस को जरा सा दराज कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी में मैंने पहली मरतबा देखा कि इमाम पाए अकदस को दराज किए हुए बैठे हैं। मेरी नजर पांव पर पड़ी तो देखा सुपैद नशान है, मुझे देख के फौरन अबा को डाल दिया। मैंने हाथों को जोड़ के अर्ज़ किया, मौला ये पांव पे निशान कैसा है, तो कहने लगे मिनहाल ये वो बेड़ियां है ना।